तो रिलीज डेड विच के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था अपने जो प्रिंस विचेस के साथ घूम रहा था, बेसिकली बॉर्डर के एरिया में जाता है जहां पे हुई दीवार वगैरह था, एक टेस्ट करने के लिए जो उनका नया नया बंदूक था ना, मतलब नया नया जो वेपन था उसको टेस्ट करने के लिए। जैसे दीवार को यहाँ पे देखती है ना भाई, एकता और सामने से कहती भाई ये तुम्हारा यहाँ पे दीवार है, कितना नल्ला, कितना पतला, कितना छोटा और कितना बेकार दीवार है भाई। सामने से ना जो डेमो से यहाँ पर आ जाएगा ना, उनको हाईटेक मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो बड़े आराम से यहीं पर चढ़ जाएंगे। जो सुनते प्रिंस कहता भली जंगली का हमारे पास जो वेपन है भाई, जरा वेपन तो यहाँ पे देख लो, एक नया वेपन इसने यहाँ पे बनाया था, जो तोप का गोला होता है ना समझो वही है, बस उस बहुत ज्यादा एडवांस वर्जन यहाँ पे था। ज्ञान की बात है बताता भाई ऐसा मैंने एडवांस किया, ये किया वो किया। जो सुनते सामने से नाइट गर्ल तो खुश रहती, कहती वाह बढ़िया है बढ़िया है। एकता भी लाइक भाई इसमें क्या यहाँ पे बढ़िया है। INX यहाँ पे कहता सुनो INX भाई, ओके ठीक है भाई टेस्ट करने के यहाँ पे तैयार हो जाओ। सामने से टेस्ट करने को यहाँ पे तैयार होता है प्रिंस, सबसे कहता है जल्दी से अपना कान यहाँ पे बंद कर लो, जोर से आवाज यहाँ पे करेगा। एकता भी लाइक भाई क्या 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 मतलब इतना जल्दी तुमने टेस्ट यहाँ पे चालू कर दिया। टेस्टिंग चालू होती है, गोला यहाँ पे जोर से चला जाता है जो बहुत दूर जाके गिरता है और ढाम से ब्लास्ट यहाँ पे होता है। सब लोग अपने कानों से हाथ उठा लेते हैं। जो नाइट गर्ल थी एकता से पूछती आ रही ओके कुछ बुरा तो नहीं ना हुआ, वो सामने से कहती यार फटके यहाँ पे चार हो गई थी। तो इसका ध्यान यहाँ पे जाता है कि मम्मी ने क्या हुआ भाई, ये हमला यहाँ पे था क्या, ओ शिट भाई आइस को इतना सारा आइस को एक बार में इस हमले ने दम पिघला के रख दिया। सामने से प्रिंस भी देखता है उसको तो दिखाई भी नहीं दिया, कह रहे बाप रे कितना दूर यहाँ पे गया स्काई भी, तुमने नोटिस किया क्या। सामने से वो कहते हुए मैंने नोटिस किया, वो जो छोटा माउंटेन यहाँ पे ना, उस माउंटेन पे जो रेड फ्लैग यहाँ पे ना, रेड फ्लैग है बेसिकली और दूसरे साइड यहाँ पे चला गया। पीछे से एकता कहती भाई रेड फ्लैग ये किसके बारे में बात कर रहे हो। ये सामने से बताता है कि भाई देखो ये बेसिकली सर समझो तोप का गोला, अंदर हमने भाई गोला वोला यहाँ पे लगा दिया है जो सीधे दुश्मन पे जाता है और हमसे ब्लास्ट दुश्मन की यहाँ पे मौत हो जाती है। अब वो कहाँ पे एग्जैक्टली गया उसको मेजर करना भी तो जरूरी है ना, इसलिए मैगी और लाइटनिंग को भेज के हमने वहां पे ना अलग अलग कलर के झंडे यहाँ पे लगा दिए, इसमें जो रेड फ्लैग यहाँ पे ना रेड फ्लैग के पास जाके बेसिकली यहाँ पे गिरा है। तो जैसे ये सारी बातें सुनते ना भाई वो भी चौंक जाती है, केवल मैंने नोटिस किया वाकई में जो अटैक का पावर था ना बड़ा जबरदस्त यहाँ पे था और काफी दूर यहाँ पे गया था, यानी दूर से बंदे को ना देखो दुश्मन यहाँ पे आ रहे, दुश्मन को तुम पास आने दे नहीं सकते, दूर से ही हमला करके ना तुम उसकी बैंड यहाँ पे बजा सकते हो। हालांकि वेपन अच्छा है लेकिन एक बार में एक ही अटैक कर सकता है और सेकंड अटैक के लिए वापस से चार्ज भी करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे लग जाएगा। प्रिंस कहते हैं केवल एक में ज्यादा मजा यहाँ पे नहीं आया, एक साथ है ना इसमें हम तीन गोलियां भी फायर कर सकते हैं, जल्दी से तीन गोली लोड करो हम तीनों फायर करने वाले। एकता हिल जाती है भाई मैं अभी अभी मैंने बोला कि भाई एक बार में एक ही कर सकते हो और सेकंड टाइम करने में भी टाइम लगेगा, ये तो सेकंड टाइम तुरंत करने वाला, तीन गोली सच में निकलेगा। तीन गोली यहां पे निकलता भी है और निकलते ज्यादा से टारगेट पे और ढाम से ब्लास्ट। प्रिंस भी कहते गुड गुड माशाल्लाह भी मजा गया टेस्ट सक्सेसफुल। एकता दम हिल जाती है, अरे बाप रे भाई ये जो भी वेपन यहां पर, ये तो वाकई में सच्ची में कमाल का है, अगर सच्ची में ये वेपन हमारे टाइम पर होता ना तो हम तो डेमन के साथ आराम से कब का जंग यहाँ पे जी जाते, इतना साल के लिए जंग चला और एंड में हम लोग यहाँ पे हार गए थे। सामने से प्रिंस से पूछती भाई क्या ये वही वेपन है जो कि विचेस ने मिलकर बनाया। जो सुनते प्रिंस यहाँ पे कहता है कि सच्चाई बताऊं तो खाली विचेस नहीं बल्कि विचेस ने जो इंसान यहाँ पे थे ना उन्होंने मिलकर यहाँ पे बनाया, इसको बनाने की जो भी मेटल की यहाँ पे जरूरत पड़ी ना तो उसको पिघलाने वाली और कहीं बल्कि एना यहाँ पे थी। इसके अलावा जो स्लैबी यहाँ पे थी उसने सारी कमियां बता दी भाई कहाँ कहाँ फ्लो हो सकते हैं। जो लूशिया नाम के बीच है ना उसका भी मेटल के साथ उसने काम किया, फिर एक पेंटिंग वाली भी चाहती है उसने लेयर बना के वो ऊपर से कवर कर दिया। अब बाकी जो भी काम यहाँ पर हुआ गोला डालने का चलाने को लेकर और बाकी पॉलिश करने काम धोने वोने काम सब ने यहाँ पे इंसानों ने यहाँ पे मिलके किया, यानी दोनों ने मिलके यहाँ पे बनाया। तो जैसे एकता यहाँ पे सुनती है ना वो सोचती भाई हम नौकर बनाते थे इंसानों को वही उनके लिए यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस प्रिंस का ये मानना कि इंसान भी डेमो के साथ सामना कर सकते हैं और जिस हिसाब से बातें कर रहे हैं मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि सच्ची में इंसान भी कर सकते क्या डेमोन के साथ यहाँ पे लड़ाई। जो यहाँ पे थी ना पीले वालों बीच और ऐश सामने से पीले वालों कहती भाई ऐसा क्या खास है भाई इस वेपन में जो इतना जोर से अटैक यहाँ पर रिलीज हुआ कुछ समझ नहीं आया। ऐश कहते थे पास एक छोटा सा बंदूक जैसा कुछ वेपन यहाँ पर है ना जिसमें से गोला निकलता और ढम से ऐसा सेम रिएक्शन होता है। वो सामने से कहती नहीं मेरा वाला तो भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा कमाल का, तुम उसके साथ इसको कंपेयर बिल्कुल भी मत करो। उसके बाद यहाँ पे जो तिली यहाँ पे थी ना तिली जैसे देखती है ना मनी मन सोचती कि मेरे भाई जैसा साथी अगर तुम्हारी टीम में आ जाएगा मजा आ जाएगा, लेकिन रही बात मेरे भाई का आई डोंट नो भाई इसने साबित कर दिया मेरा भाई है मुझे भी पूरा विश्वास है, लेकिन जब जब मैं देखती हूँ ना जब जब मुझे ऐसा लगता है कि वेल यार कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़े, आई डोंट नो गड़बड़ी फीलिंग मुझे यहाँ पे कई को आती है सच्ची में कुछ गड़बड़ है क्या। प्रिंस में ऑफकोर्स भाई गड़बड़ तो है, उसको भी हल्का सा टेंशन होता है कि भाई जो इतना लंबे समय से नाटक यहाँ पे कर रहा हूँ सच्ची में इसका भाई बनने का, देखा जाए तो उसका भाई उसके भाई के बॉडी में हूँ लेकिन तो भी इसको डिटेल में समझा नहीं सकते, पृथ्वी साया बंदा हूँ वहाँ से मैंने पूरी टेक्नोलॉजी यहाँ पे लाई है, कोई बात नहीं जो नाटक यहाँ पर कंटिन्यू रखता हूँ। रात के समय होता है तिली मिलने के लिए यहाँ पे आई थी, बेसिकली प्रिंस नहीं बुलाया था, आते कहती बोल नाइट गर्ल ने मुझे बोला तुमसे मिलने के लिए तुमने मुझे बुलाया क्या। प्रिंस कहता हाँ फ्यूचर में चल के जो तीसरी वॉर यहाँ पे होने वाली डेमोन के साथ उसके बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए।
सुनून एगदे ने सारी बातें यहाँ पे बता दी कि भाई पहले भी दो बार यहाँ पे जंग हो चुकी, जो तीसरी बार यहाँ पे जंग होगी, जो तीसरा जंग यहाँ पर हो ना वो ज्यादा हार्ड यहाँ पर होगा। और जैसे उसने बोला जिस एरिया में वो रहते थे ना उनके टाइम पर ना पूरा दुनिया ना बस एक ही दुनिया में था, वहाँ पे चार किंगडम में डिवाइडेड यहाँ पे नहीं थे। लेकिन दो बार जंग होने के बाद और दो बार डेमोन के साथ हारने के बाद उनकी फड़के चार हो गई थी और लोग भाग के ना इस एरिया में रहने के लिए यहाँ पे आ गए थे। स्टार्टिंग में जो इंसान लोग ना इस एरिया में रहते नहीं थे, ये तो बंजर जमीन यहाँ पे हुआ करती थी, तो इस बार ऐसा हुआ ना तो लिटरली हमारे पास ना और कोई रास्ता नहीं बचेगा यहाँ से भाग के जाने के लिए, यानी हमें ना इसके ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुझसे ना जाओ या तुझसे यहीं पे रुक जाओ। जो सुनते सामने से बहन खुश हो जाती है और कहती है कि वेल मुझे लग नहीं था तो सामने से ऐसा रिक्वेस्ट यहाँ पे करेगा, लेकिन वे वेल मैं भी सामने से एग्री यहाँ पे करती हूँ। प्रिंस भी यहाँ पे कहता है गुड 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 गुड। तो सामने से जैसे एगेता ने यहाँ पे बोला जो पहले जंग यहाँ पे हुआ था ना, पहले जंग में इंसानों ने और जो विचेस यहाँ पे थे उन्होंने मिलकर डेमोन के साथ यहाँ पे सामना किया था, लेकिन उसमें भाई ये ऊपर ऊपर की बात है, अंदर ही अंदर मेन काम विचेस ने किया होगा, इंसानों पर ज़्यादा डिपेंड यहाँ पे किया नहीं होगा। सेकंड में तो तुम्हें मालूम है इंसानों को तो वैसे भी गुलाम बना के गुलामों का काम यूज़ किया जाता होगा, लेकिन इस वक्त तुम यहाँ पे देख सकते हो भाई मेरे दिमाग में अचानक से कहीं से मेमोरी आ गई, जो मेमोरी में ना कमाल कमाल की चीज़ें बनाने का ऑप्शन यहाँ पर आ गया। देखो भाई मैंने कितना कमाल का फिर से वेपन यहाँ पे बनवा दिया जो हम डेमोस को हरा सकते हैं, इंसान लोग भी है ना उस वेपन द्वारा डेमोस के यहाँ पे मार सकते हैं। यानी इस वक्त जब जंग यहाँ पर होगा ना तो जो वेपन बनाने का और साथ ही वेपन का ध्यान रखने का वो काम यहाँ पे विचेस का हो जाएगा, प्लस विचेस भी अपना पावर से फट करेगी, जो इंसान वो भी बंदूक लेके तोप लेके वो भी हमला करेंगे, यानी इंसान विचेस ना बराबर का कोऑपरेशन करके इस वक्त जंग हम लोग करके तीसरा जंग ना फाइनली हम लोग यहाँ पे जीत सकते हैं। सामने से बहन कहती हाँ वो बात तो मैं यहाँ पे समझ गई, तो ये चाहता मैं यहीं पर रुक जाऊँ उस जंग के लिए, बाकी विचेस का क्या जो मेरे साथ ना स्लीपिंग आइलैंड पे रहती थी। सामने से प्रिंस कहता है कि वेल यार उन सबको भी यहाँ पे बुला लो, हाँ उन सबको यहाँ पे बुला लो, उन सबको रहने के लिए खाने पीने के लिए सैलरी वगैरह जैसे मेरी विचेस को देता हूँ ना वैसे मैं उनको भी यहाँ पे दूंगा, और ऐसा नहीं कि मैं उनका लीडर यहाँ पे बन जाऊंगा, उनके लीडर तुम ही रहना, मैं अपनी विचेस का लीडर रहूंगा, तुम अपनी विचेस का लीडर यहाँ पे रहना। जो सुंदर सामने से तिली कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन जो मेरे पास विचेस यहाँ पे रहती है ना और उनकी जो विचेस है ना उनकी जो एबिलिटी है लड़ाई के लिए कोई काम नहीं आती है। सामने से प्रिंस कहता है नहीं नहीं है तुम्हें क्या लगता है जो लड़ाई के लिए एबिलिटी वाली नहीं है वो लड़ाई नहीं कर सकती यार, यहाँ पे भी ढेर सारी विचेस है जो लड़ाई के लिए उतनी अच्छी यहाँ पे नहीं है, लेकिन उनकी एबिलिटी है ना जो लड़ाई करने वाली है ना उससे भी कई बार अच्छी निकल जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैगनेट वाली हो गई, उसका मैगनेट भाई चीज़ें बनाने के लिए काम आता है, पेंटिंग वाली हो गई उसका जो पेंटिंग है ना कोटिंग करने के लिए काम आता है कितने कमाल कमाल के वेपन के लिए, यानी बस हमको सामने से पता लगाना है कि उनकी एबिलिटी हमें किस काम के लिए अच्छा से यहाँ पे देगा, जो मैं यहाँ पे पता लगा लूंगा। जो सुनते सामने सीख दिया अच्छा ऐसी बात देगा, वेल मेरा भी मन ऐसा यहाँ पे करा था, यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो कि यहीं पे रह के मुझे नॉलेज यहाँ पे मिलेगी, लेकिन सारी विचेस के यहाँ पे बुला ही लूंगी मैं उसका वादा नहीं कर सकती भाई, 50-50 अभी के लिए चांसेस है। प्रिंस कहता है सकाई को, जो सुनते सामने से वो यहाँ पे कहती देखो सबसे पहली बात मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट है, बाकी विचेस का मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं उनकी लॉर्ड हूँ, मैं उनको ऑर्डर दूंगी, उनका आना पड़ेगा, लेकिन भाई हो सकता है अंदर ही अंदर उनको आने का मन ना हुआ, वो मेरे को अंदर ही अंदर यहाँ पे गालियाँ देने लग जाएंगे, तो अब बाई चांस मान लो यहाँ पे आने को देना उनसे वो आजादी छीन जाएगी जो आजादी उनको स्लीपिंग आइलैंड पे मिलता था, और आगे चल के उनके बीच में लफड़ा हो जाएगा, बात नहीं मानेंगे, ऐसा होगा ऐसा होगा, तुम तो फिर धक्के मार के उनको बाहर यहाँ पे निकाल दोगे ना। प्रिंस कहता नहीं नहीं ऐसा मैं बिल्कुल भी करने वाला नहीं हूँ। जो सुनते सामने सीए यहाँ पे कहती नहीं 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 यार तुम्हें क्या लगता है तुमने बोल दिया मैं यहाँ पे विश्वास कर लूँगा नहीं, वैसे तो मेरे को तुम्हारे ऊपर विश्वास है लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है, मुझे बाकी विचेस के ऊपर ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पे लेना नहीं है, आई होप तुम समझने की यहाँ पे कोशिश तो करोगे। सामने से प्रिंस कहता है कि यार लेकिन तुम मेरी बहन हो भाई, तुम्हें या फिर तुम्हारी विचेस को मैं ऐसे कैसे क्या कुछ नहीं होने दूंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, देखते हैं भाई वो कन्फर्म एग्री करती या फिर नहीं करती। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय।